तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीजी यानी कि एमए हिस्ट्री का सेमेस्टर वन का पेपर टू। ठीक है, फिर से बता दूं, एमए हिस्ट्री सेमेस्टर वन का पेपर टू। ठीक है, पेपर टू। इससे पहले पेपर वन को कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखा है वीडियो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो यह 20-23 के सेशन में पूछा गया पेपर है एंड फुल मार्क्स 70 है, टाइम 3 आवर। मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है, टॉपिक डिपेंड करता है। देखिए, टॉपिक है हमारा विश्व के प्रमुख सभ्यताओं के बारे में, वर्ल्ड के प्रमुख जितने भी सिविलाइजेशन हैं सभ्यता उनके बारे में, विशेष रूप से बेबीलोन, ठीक है, बेबीलोनिया, उसके बाद सुमेरियन सभ्यता, इन सब के बारे में जानना है, और हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसमें आ जाएगी। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं, यहाँ पे दिया गया है नोटिस, किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करें, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपके 10 ऑब्जेक्टिव हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद भाग भी है आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बेबीलोन के प्रमुख देवता कौन थे। जो भी इंग्लिश में पढ़ना चाहें वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे, हु वाज प्राइमरी गॉड ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, बेबीलोन के प्रमुख देवता बहुत थे, सूर्य चंद्रमा, वे तो प्रकृति की पूजा करते थे एक रूप से, लेकिन जो सबसे प्रमुख देवता थे वे थे सन, सूर्य। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन है कि उर गॉड विच ऑफ दीज, जो उर गॉड है वह कौन थे, तो वे थे चंद्रमा, मून गॉड, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें पूछा गया है झूलते बाग किस सभ्यता के देन है। तो झूलता हुआ जो बगीचा है, हम लोगों ने बचपन में ही जीके पे पढ़ा होगा, तो झूलते हुए बगीचे बेबीलोन का देन है, हैंगिंग गार्डन इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेबीलोन सभ्यता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर, पूछा गया है कि आपका क्या है ओल्ड टेस्टामेंट, ये जो पुस्तक है किस पुस्तक का प्रथम भाग है। तो ओल्ड टेस्टामेंट एक चैप्टर है, किस किताब का भाग है, तो दोस्तों बाइबिल, जो कि ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ है उसका भाग है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई, इसमें पूछा गया है कि चीनी सभ्यता चाइनीज सिविलाइजेशन किस नदी के आसपास विकसित हुई। तो दोस्तों, चीन की जो सभ्यता है वह हांगहो नदी के आसपास विकसित हुई थी, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, हांगहो। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर एफ, पूछा गया है कि सीरिया साम्राज्य का केंद्र कहाँ है। तो सीरिया साम्राज्य का जो केंद्र था वह कहाँ पर था, वह था इसका उत्तरी मेसोपोटामिया, नॉर्दर्न मेसोपोटामिया। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं वे सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया कि स्पार्टा की क्या विशेषता थी, द सिटी स्टेट ऑफ स्पार्टा वाज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो दोस्तों, इसका सबसे प्रमुख विशेषता था कि यहाँ पे बहुत सिविलाइजेशन लोग रहते थे, बहुत सभ्य लोग रहते थे, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता सबको मिली थी, महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था, गणतंत्रात्मक हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था। आगे देखते हैं। तो एच नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के उत्तरी भाग को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया वाज कॉल्ड सीरिया, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीरिया। ठीक है, लेकिन अभी के ज़माने में सीरिया और इराक ने जो घोटाला करता है, मतलब घोटाला नहीं यार, आतंक फैला के रख दिया है एकदम, नाम तो सुने होंगे, नाम नहीं मैं बता सकता, देख लीजिए पढ़ लीजिए, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, नहीं क्या है यार, चलिए बताइएगा, देखते हैं कितना दिमाग दौड़ता है आप लोग का, क्या है ये है? देखते हैं ये। तो आई नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया की जो सबसे आरंभिक सभ्यता थी वह कौन सी सभ्यता थी, वह थी सुमेर की सभ्यता, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि जे, पूछा गया है कि मिस्र सभ्यता में लोगों के द्वारा कौन सा पेशा अपनाया गया। तो मिस्र का जो सभ्यता था वहाँ पे लोगों के ऑक्यूपेशन के रूप में एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग को अपनाया गया था, कृषि को अपनाया गया था, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कृषि को लेकर एक बहुत प्रचलित भाषा थी कि उत्तम खेती मध्यम बांग नीच चाकरी कुकुर निदान, लेकिन आजकल के ज़माना में उल्टा हो गया है यार,
देखिए अब क्वेश्चन नंबर वन का भाग भी कंपलसरी सेक्शन का ही भाग है। इसमें आपको 3 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करें एंड आपका आंसर करना होगा लगभग 100 शब्दों में, ठीक है। 3-3 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर वन, कुल मिलाकर 22 मार्क्स का है और बाकी सभी 12-12 मार्क्स के हैं, तो 12 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं क्वेश्चन नंबर वन को कंप्लीट करने के बाद। देखिए पहला टॉपिक है, किसी 3-4 के ही आपको लिखना है। तो पहला टॉपिक है आपका हम्मुरावी संहिता के ऊपर लिख सकते हैं, हम्मुरावी कोड के ऊपर। दूसरा है सुमेर सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, डेक्लाइन ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन। सी नंबर है सांग वंश के काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी, सोशल कंडीशन ड्यूरिंग सांग डायनेस्टी। एंड डी नंबर देखते हैं तो पूछा गया है कि चाऊ वंश के काल में आर्थिक स्थिति कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग चाऊ डायनेस्टी। नेक्स्ट देखते हैं तो इन नंबर में पूछा गया है कि प्राचीन साम्राज्य ओल्ड किंगडम के बारे में आप लिख सकते हैं। एफ नंबर है, इसमें पूछा गया है कि सुमेर सभ्यता के काल में सामाजिक स्थिति यानी कि सोशल कंडीशन ड्यूरिंग सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो इनमें से किसी 4 पे ही आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं सभी 12 मार्क्स के, और इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर का मतलब कि आंसर करना होगा जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है पेपर में। हो सकता है आपके पेपर में कुछ अलग कहा गया हो लेकिन क्वेश्चन लगभग सेम रहेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इसलिए बोल रहा हूँ सभी क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि एग्जाम आपका बहुत ही ईजी जाए। पहला है कि सीरिया कौन थे, असीरिया कौन थे, बेबीलोन के इतिहास में उनकी क्या भूमिका थी, मूल्यांकन करें। हु वेर सीरिया, इवेल्युएट द रोल प्ले बाय देम इन द हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें पूछा गया है कि सांग युगीन राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सांग डायनेस्टी। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो पूछा गया है कि स्पार्टा संविधान पर लेख लिखें, राइट एन एसे ऑन स्पार्टा कंडीशन, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन है यार सॉरी दोस्तों सॉरी। 5 नंबर है चाओ युगिन राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन करें, डिस्कस द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ चाओ डायनेस्टी। चाओ डायनेस्टी कहाँ है, नाम से ही सुनने का था, चाओ चांग चिंग चीन चाइना, ठीक है। 6 नंबर है बेबीलोनिया सभ्यता के सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालें, थ्रो लाइट ऑन द सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सुमेर सभ्यता के राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन करें, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग सुमेरियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, तो पूछा गया है कि थूटमोज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि एनालाइज द अचीवमेंट ऑफ थूटमोज थर्ड, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो पूछा गया है कि मिस्र सभ्यता के योगदान का वर्णन करें, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन। और 10 नंबर क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन कि पेरिक्लीज पर एक लेख लिखें, ठीक है, राइट एन एसे ऑन पेरिक्लीज। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि पेपर 2 में आता है, इसके बाद पेपर 3 और पेपर 4 का भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक करके देख सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, अच्छे से एग्जाम दें, धन्यवाद।